यूपी विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है। बता दें आज भी सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। गुरुवार को ओबीसी आरक्षण को लेकर हंगामा हुआ था, सबकी अहम और बड़ी जानकारी। आज एमपी विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है जहां सर्वसम्मति से पारित हुआ था ओबीसी आरक्षण संकल्प, तो वहीं चार अशासकीय संकल्प भी सदन में रखे जाएंगे। सबकी अहम जानकारी एमपी से, जहां एमपी विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है, आज भी सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं, तो वहीं गुरुवार को ओबीसी आरक्षण को लेकर हंगामा हुआ था। बता दें एमपी विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है, आज भी सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं, तो वहीं बता दें गुरुवार को ओबीसी आरक्षण को लेकर हंगामा हुआ था, चार अशासकीय संकल्प भी सदन में रखे गए थे। बता दें आज आखिरी दिन है, आज भी सदन हंगामेदार रहने की आशंका जताई जा रही है, चार अशासकीय संकल्प भी सदन में रखे गए थे, तो वहीं ओबीसी आरक्षण संकल्प भी पारित हो गया है। गुरुवार को ओबीसी आरक्षण को लेकर हंगामा हुआ था, चार अशासकीय संकल्प भी सदन में रखे जाएंगे, सबकी अहम और बड़ी जानकारी है। एमपी विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है, आज भी सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। गुरुवार को ओबीसी आरक्षण को लेकर हंगामा हुआ था, तो वहीं चार अशासकीय संकल्प भी सदन में रखे जाएंगे। गुरुवार को ओबीसी आरक्षण को लेकर सदन में हंगामा हुआ था, बता दें आज भी सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं, तो वहीं एमपी विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है। एमपी विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है, आज भी सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं, तो वहीं गुरुवार को ओबीसी आरक्षण को लेकर हंगामा हुआ था, बता दें चार अशासकीय संकल्प भी सदन में रखे जाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, आज एमपी विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है, तो वहीं आज भी सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। बिल्कुल अलीशा, आज की बात करें विधानसभा का आज सत्र का पांचवा दिन है और आखिरी दिन भी है। पांच दिनीय शीतकालीन सत्र का आज समापन होगा, शुरुआत प्रश्नकाल से ही होगी और इसमें चार जो है अशासकीय संकल्प के साथ कई ध्यानाकर्षण भी विधायकों की ओर से लगाए गए हैं, इस सत्र में चर्चा होगी। लेकिन जिस तरह से ओबीसी का मामला है वो आज भी सदन में गूंजा रह सकता है, इसको लेकर कांग्रेस पर हंगामा कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो पूरा फोकस है, चाहे बीजेपी की ओर बात करें या कांग्रेस की बात करें, सदन के अंदर जब भी किसी विषय पर चर्चा होती है तो उसमें ओबीसी मुद्दा आ ही जाता है और जब ओबीसी मुद्दा आता है तो उसमें श्रेय की राजनीति शुरू होती है कि अब जो 27% आरक्षण की बात कही जा रही है वो बीजेपी सरकार की ओर से कहा जाता है कि वो सरकार लागू कर रही है और कांग्रेस की ओर से कहा जाता है कि इसके लिए कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है और बीजेपी सरकार ये भी जिम्मेदार ठहराती है कि दरअसल ये पूरा मामला अटका है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। तो जाहिर तौर पर है प्रश्नकालों की बात करें तो आज प्रश्न जो है कई तरह के चौंकाने वाले जो प्रश्न लगे हुए हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है, आज भी सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। राकेश जी आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे।